भगवान विष्णु ने जितने भी अवतार लिए उनमें कोई ना कोई विशेषता थी और अपने कृष्ण स्वरूप में वह 16 कलाओं से पूर्ण माने गए हैं। भगवान कृष्ण भगवान विष्णु के सभी अवतारों में सर्वश्रेष्ठ अवतार रहे हैं, क्योंकि उन्होंने 16 कलाओं को सीखा तथा गुरु सांदीपनी से इनकी शिक्षा ग्रहण की। आइए जानते हैं वे कौन सी कलाएं हैं जिन्हें प्राप्त करके श्री कृष्ण बने पूर्ण अवतार स्वरूप। पहला कला श्री। श्री कला को धन से जोड़ा गया है। जिसके पास ये होती है वह धनवान होगा। अमीर होने का मतलब सिर्फ पैसा और पूंजी जोड़ना नहीं है, बल्कि मन वचन और कर्म से समृद्ध होना चाहिए। श्री संपदा वाले व्यक्ति के पास माँ लक्ष्मी का अस्थाई वास होता है। इस कला से संपन्न व्यक्ति समृद्ध जीवन जीता है। दूसरा कला भूमि धन। इसका अर्थ है कि इस कला को रखने वाला व्यक्ति एक बड़े क्षेत्र का मालिक होता है या एक बड़े भूमि क्षेत्र पर शासन करने की क्षमता रखता है। तीसरा कला कीर्ति। कीर्ति का अर्थ है प्रसिद्धि। जिसके पास यह होगी वह व्यक्ति देश दुनिया में प्रसिद्ध होगा, लोगों के बीच लोकप्रिय बनेगा और विश्वसनीय माना जाएगा। जन कल्याणकारी कार्यों में पहल करने में हमेशा आगे रहेगा। चौथा कला वाणी सम्मोहन। कुछ लोगों की आवाज़ में सम्मोहन होता है। लोग ना चाहते हुए भी उनके बोलने के अंदाज की तारीफ करते हैं। ऐसे जातक वाणी में कुशल होते हैं। इन पर माँ सरस्वती की विशेष कृपा होती है। इन्हें सुनकर क्रोध शांत हो जाता है और मन में भक्ति और प्रेम की भावना जाग उठती है। पांचवा कला इस कला वाला व्यक्ति चमत्कारी होता है और श्री कृष्ण को तो लीलाधारी भी कहा जाता है। इनकी लीला के दर्शन से एक अलग ही आनंद प्राप्त होता है। छठा कला कांति। कांति वह कला है जिससे चेहरे पर एक अलग ही आभा पैदा होती है, जिसे देखकर कोई भी मुग्ध हो सकता है और उसके जैसा हो जाता है, यानी खूबसूरती से ऐसे प्रभावित होते हैं और उनका आभा मंडल से दूर जाने का मन नहीं करता है। सातवां कला विद्या। विद्या भी एक कला है। जिसके पास ज्ञान है उसमें अनेक गुण स्वतः ही आ जाते हैं। ज्ञान से संपन्न व्यक्ति वेदों का ज्ञाता, संगीत और कला का भेदक, युद्ध कला में पारंगत, राजनीति और कूटनीति में विशेषज्ञ होता है। आठवां कला विमल। छल विवेक रहित गोरा, जिसके मन में मैल नहीं है, कोई दोष नहीं है, जो आचरण विचार और व्यवहार में शुद्ध है, ऐसे व्यक्तित्व का धनी ही विमल कला के साथ हो सकता है। नवा कला उत्कर्षिणी शक्ति। उत्कर्षिणी का अर्थ है प्रेरित करने की क्षमता। जो लोगों को उनके लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करती है, किसी विशेष लक्ष्य को भेदने के उचित मार्गदर्शन देकर वह उसे उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रेरित कर सकती है। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को, जिसने युद्ध के मैदान में हथियार रखे थे, को गीतोपदेश के साथ प्रेरित किया। दसवां कला नीर क्षीर विवेक। ऐसा ज्ञान रखने वाला व्यक्ति जो अपने ज्ञान से न्याय संगत निर्णय लेता है, ऐसा व्यक्ति न केवल विवेकपूर्ण होता है बल्कि अपने विवेक से लोगों को सही मार्ग सुझाने में भी सक्षम होता है। 11वां कला कर्मण्यता। जिस प्रकार एक समृद्ध कला वाला व्यक्ति दूसरों को निष्क्रियता से कर्म के मार्ग पर चलने का निर्देश देता है और लक्ष्य प्राप्त करने के लिए लोगों को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है,
जबकि इस गुण वाला व्यक्ति न केवल उपदेश में समर्पित होता है बल्कि स्वयं परिश्रम भी करता है, कर्म के सिद्धांत का पालन किया करता है। 12वां कला, योग शक्ति। योग भी एक कला है। सरल शब्दों में योग का अर्थ है जुड़ना। यहाँ इसका आध्यात्मिक अर्थ आत्मा को परमात्मा से जोड़ना भी है। ऐसे लोग बहुत आकर्षक होते हैं और अपनी कला से दूसरों के मन पर राज करते हैं। 13वां कला, विनय। जो अहंकार की भावना को भी नहीं छूता है, उसके पास कितना भी ज्ञान हो, चाहे वह कितना भी धनी क्यों ना हो, वह बलवान हो सकता है, लेकिन उस पर अहंकार नहीं होता है। शालीनता से व्यवहार करने वाला व्यक्ति इस कला में पारंगत हो सकता है। 14वां कला, सत्यबोध। बहुत कम ही ऐसे होते हैं जो सत्य के मार्ग पर चलते हैं और किसी भी प्रकार की कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी सत्य को नहीं छोड़ते हैं। इस कला से संपन्न व्यक्ति सच्चे कहलाते हैं। लोक कल्याण और सांस्कृतिक उत्थान के लिए वे कटु सत्य भी सबके सामने रखते हैं। 15वां कला, आधिपत्य। आधिपत्य का अर्थ किसी पर बलपूर्वक अपना अधिकार जताना नहीं है, बल्कि यह एक ऐसा गुण है जिसमें व्यक्ति का व्यक्तित्व इतना प्रभावशाली होता है कि लोग स्वयं उसके अधिकार को स्वीकार कर लेते हैं, क्योंकि उन्हें उसके प्रभुत्व में सुरक्षा और विश्वास की भावना दिखाई देती है। 16वां कला, अनुग्रह क्षमता। जिसके पास अनुग्रह की क्षमता है, वह हमेशा दूसरों के कल्याण में लगा रहता है, दान कार्य करता रहता है। जो कोई भी उसके पास मदद के लिए पहुंचता है, वह उस व्यक्ति की अपनी क्षमता के अनुसार मदद भी करता है। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। राधे राधे।